बीटाडीन एक एंटीसेप्टिक दवा है। यह लिक्विड, ऑइंटमेंट, क्रीम, स्प्रे, सोप मतलब साबुन की फॉर्म में उपलब्ध है। इस वीडियो में बीटाडीन लिक्विड के बारे में बात बताएंगे जो कि गार्गल के रूप में काम में लिया जाता है। वेल हाय एवरीवन, मैं आकाश कुमार और आज मैं आप सभी को बीटाडीन गार्गल के यूजेस एवं उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बताऊंगा। बीटाडीन 2% गार्गल मुंह के और गले की लाइनिंग के इन्फेक्शंस को ठीक करने में मदद करता है, जैसे जिंगिवाइटस या फिर माउथ के अल्सर्स। इनको इसका इस्तेमाल दांतों और मुंह की सर्जरी के दौरान या फिर इसके बाद मुंह की स्वच्छता बनाए रखने के लिए भी काम में लिया जाता है ताकि इन्फेक्शन ना हो पाए। 30 सेकंड के लिए बीटाडीन गार्गल के साथ गरारे या कुल्ले करें। इसे निगलना नहीं है क्योंकि यह ओनली एक्सटर्नल यूज के लिए ही आता है। इसके साइड इफेक्ट्स काफी बार देखने को मिल सकते हैं जिन्हें दुष्प्रभाव भी बोलते हैं। इसमें इंक्लूडेड है जैसे यूज करने वाली जगह पर खुजली हो सकती है, रेडनेस देखने को मिल सकती है या फिर जलन हो सकती है। यह काफी बार अपने आप ठीक हो जाते हैं लेकिन अगर इफेक्ट्स बिगड़ते दिखाई दें तो डॉक्टर के पास पहुंचे। इसका इस्तेमाल 14 दिन से ज्यादा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये अपने दांतों पर स्टेन करने लगेगा फिर बाद में, मतलब दांतों का कलर स्टेन करने लगेगा, कलर चेंज करने लगेगा, जो कि अपने आप ठीक भी नहीं हो पाएंगे फिर। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।